Hello. Hopefully you're doing good. So today we are going to a very special place. आज हम बहुत खास किस्म के place पर जा रहे हैं. एक restaurant है, मैंने आपसे पता क्या था, एक restaurant है थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक के अंदर, ऐसा जिसका business model बड़ा unique है. और वो क्या है, मैं आज आपको यहाँ लेके जाऊँगा. उस रेस्टोरेंट का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है कैबेजेस एंड कॉन्डोम्स. So let's see what this restaurant is all about. I know condoms is something very controversial type of or taboo stuff in Pakistan, but let me discuss this thing. So finally guys, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ. आप ये देख सकते हैं कि इस रेस्टोरेंट का नाम कैबेजेस एंड कॉन्डम्स हैं. आपको मैं थोड़ा सा लोकेशन के हवाले से इसको आगाह करता चलूं कि इसकी लोकेशन, अगर आप सुकुमवित में ठहरे हुए हैं तो इसकी लोकेशन जो है वो अगर आप BRT से ट्रैवल करके इसकी तरफ आना चाहते हैं तो आपको कहां पर रुकना पड़ेगा, कहां पर उतरना पड़ेगा BRT से, तो वो स्टेशन का नाम है अशोका, या अशोका हम अपनी ज़बान में से कह सकते हैं. तो अशोका पे आप उतरेंगे और अशोका से आप उतर कर आपको थोड़ी सी वॉक है, तकरीबन कोई 300 से 400 मीटर की, तो वो वॉक करके आप इस गली में आएंगे. और किसी से भी आप वैसे पूछ सकते हैं यहाँ पर अशोका से उतर कर आपने किस तरह जाना है, या फिर आप गूगल से भी रहनुमाई ले सकते हैं, तो आप ईजिली यहाँ पर पहुँचेंगे. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. बताना ये था कि वाई सो मच ऑफ कॉन्डम्स, ये कॉन्डोम्स इतना ज़्यादा क्यों है, इसका रेस्टोरेंट का नाम क्यों है. इसकी इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली एक आइडिया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, या फिर आप सिविल सोसाइटी का आप कह सकते हैं, NGOs का, टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट कॉन्डोम्स एंड नॉट ओनली अबाउट कॉन्डोम्स बट ऑल्सो टू प्रमोट द यूज़ ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी वाइल हैविंग सेक्स. क्योंकि हम सेक्स का जब भी नाम हम हमारे पाकिस्तानियों के जहन में आता है तो समझते हैं कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की कोई चीज़ है, इसको नहीं डिस्कस करना चाहिए. लेकिन बट दिस इज़ वेरी ह्यूमन, बहुत इंसानी नेचर का हिस्सा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई हर चीज़ जो है वो कॉन्डम से ही उसको क्यूरेट किया गया, उसको सजाया गया है बहुत वाफर मकदार में. यहाँ पर यहाँ पर लगाए गए हैं जस्ट टू मेक people aware about the use of the security while having sex. तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ भी आपको वेलकम करती हुई मिलेगी वो सारी की सारी कॉन्डम्स के साथ सजाएगी. तो इट वॉज नॉट जस्ट आइडिया टू प्रमोट अवेयरनेस बट ऑल्सो फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी परस्पेक्टिव, क्योंकि जो NGOs होते हैं या डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की अवेयरनेस रेजिंग कर रहे होते हैं तो वो हैवीली डिपेंडेंट होते हैं डोनर के ऊपर. लेकिन डोनर एक टाइम तक वो आपको सपोर्ट करता है फिर चला जाता है. तो इन्होंने इस रेस्टोरेंट को खोला बेसिकली और फिर ये अवेयरनेस रेजिंग स्प्रेड की है. और सिर्फ अवेयरनेस रेजिंग ही नहीं बल्कि उसके साथ इन्होंने इस आइडिया को भी वायबल बनाया है कि ये सस्टेन कर सके. तो जितना भी बिजनेस होता है वो बेसिकली HIV/AIDS की प्रिवेंशन के लिए इसको ये लोग यूज़ करते हैं इस रकम को. और आप इन्वायरमेंट देख लें, जो 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 चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी वो सारी की सारी उन्होंने कॉन्डम से सजाई हुई देख सकते हैं. लोग यहाँ पर बैठे हुए खाना भी खा रहे हैं लेकिन साथ में आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, ये देखें ये लाइट्स को जिस तरह ने सजाया तो वो उस स्टाइल में ही इन्होंने इसको सजाया. यहाँ से एक और बड़ी ख़ास चीज़ मिलती है जो आज मैं यहाँ पर खाने आया हूँ, उसका नाम है हेनरीज चिकन. ये बड़ी सादा सा ये क्यूज़ीन है, बहुत सिंपल. साथ में ये सॉस और साथ में ये सूप देते हैं विच इज़ वेरी डिलीशियस. मैंने पहले भी एक दफ़ा खाई थी और आज फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट इट्स मस्ट रिकमेंडेड. दोबारा इसलिए मैं बता रहा हूँ
क्योंकि ये फूड अगर आप थोड़ा सा हलाल हराम के चक्कर में है तो बहुत रिकमेंडेड है, बहुत सादा है, अपनी मर्जी से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सॉसेस पड़े हुए हैं आपको साथ में, आप जितना मर्ज़ी डालें, और साथ में आपको और वेजिटेबल्स भी इसके साथ मिल जाते हैं, तो इट्स मस्ट रिकमेंडेड। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस, बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर आप इधर आएँ और यहाँ पर आप खाना भी, खाना इनका बहुत मशहूर है, बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है। यहाँ पर आप हर किस्म का खाना आपको मिलेगा, लेकिन साथ में आप मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ पर आके खाएंगे तो इसकी जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी इस आइडिया को प्रमोट करेगी कि HIV एड्स की रोकथाम के लिए पैसा खर्च होगा। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका, और